नमस्ते दोस्तों, द लोकल जर्नलिस्ट में मैं मोहम्मद इकबाल हबीब। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको रिपोर्टिंग करके बताया खिदरपुर फैंसी मार्केट के एरिया में जो जमजम रेस्टोरेंट के सामने एक शख्स स्वपन, जिसका असल नाम एहसान हुसैन है, उसे राजकुमार नाम के शख्स ने धारदार हथियार से उसके ऊपर वार किया और वो सीरियसली इंजर्ड होकर SSKM हॉस्पिटल में एडमिट है। हमारे सामने इस वक्त मौजूद है उनके परिवार वाले एहसान साहब, जिनके ऊपर अटैक हुआ है, उनके परिवार वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इधर ही भैया, वो जो एहसान साहब है उनका फ़ोटो कुछ दिखा सकते हैं? आपको दिखाया असल फ़ोटो? हाँ, कैमरा में दिखाई। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो शख्स है एहसान स्वपन नाम से इन्हें पहचाना जाता है इलाके में, इन्हीं के ऊपर धारदार हथियार से इस वक्त वार किया गया था शाम के वक्त 10 बजे के करीब, रात में 10 बजे के करीब, जो कि अभी काफ़ी गंभीर रूप से घायल है और सीरियसली इंजर्ड है और इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है। आप कौन है? मैंने आपका नाम बताया। हम उसका रिलेटिव में साला लगते हैं। साला लगते हैं। आपके पास क्या खबर आया था? हमको फ़ोन आया, हम गोडाउन में थे, तो हमको फ़ोन आया कि चापड़ कोई मार दिया। तो हम तो गोडाउन में थे, पूरा फंसे हुए, चाबी भी नहीं था, हम बाहर में माल रख के कैसे आए। तो हम फ़ोन गोडाउन वाला को फ़ोन किए, फिर चाबी ले के आए, फिर हम आए 10:40 में, मतलब 10 बजे केस हुआ। फिर आगे देख रहे कि वो लोग पुलिस लेके चल गए, पुलिस बॉडी लेकर, बॉडी लेके चला, वहाँ गिरा हुआ था बॉडी ना। हाँ, हमने नहीं देखा। क्या खबर पता चला? नहीं नहीं, कुछ नहीं मालूम। राजकुमार नाम का किसी के ऊपर ये तो मालूम ही नहीं, नाम ही नहीं मालूम। यहाँ उनकी वाइफ भी है, उनसे भी बात करनी है। मैम, आपको खबर कब मिला? मैम, खबर मिला 10 बजे। आपका नाम बताइएगा। मैम, नजमा हुसैन। आप उनकी वाइफ एहसान? हाँ, एहसान उनकी वाइफ है। आपको कब खबर पता? 10 बजे के करीब। हाँ, 10 बजे करीब हमको वही पता चला कि उनको कोई चापर मार दिया है। ये इंसान हमको बोला, वही के लिए हम दौड़ के आए। कुछ झगड़ा वगैरह रहता है? ये तो हम नहीं जानते हैं, हमको कुछ पता नहीं, उन लोग का बीच में क्या होता है हम नहीं बोल सके। जानकारी पता चला नहीं, पुलिस तो वही बोल रहा है कि राजकुमार मारा उसको, वो इनाम कुमार नाम का वो आदमी उसको मारा, बस यही पता चला यहाँ आने से, और उसके बाद हम लोग कुछ जानते ही नहीं है। सवाल यही हो गया। आपकी कोई बेटा या बेटी कोई है? नहीं, ये दो बेटी है मेरा, बस बेटी है। हाँ, कमाने वाले घर में बस यही है मेरे हस्बैंड, एक तो है और कोई नहीं कमाने वाले, सब तो स्कूल पढ़ रहा है ना अभी। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने इस वक्त मौजूद थी वो जो एहसान साहब की जो वाइफ है, वो इस वक्त मौजूद थी, उनकी बेटी भी मौजूद, उनके परिवार वाले भी मौजूद हैं। उनका भी कहना है कि रात 10 बजे के करीब उनके पास खबर आया कि इस तरीके का वारदात पेश आया है, किसी राजकुमार नाम के शख्स ने, जो कि एहसान साहब जो है जिनका पुकारू नाम स्वपन है, उनके ऊपर धारदार चीज़ों से हथियार से अटैक किया, जो कि इस वक्त सीरियसली इंजर्ड है और ट्रॉमा केयर में एडमिट है। तो आप बने रहे हमारे साथ फर्दर अपडेट के लिए, हम आपको दोबारा लौटेंगे फर्दर अपडेट्स के साथ। देखते रहें TLJ द लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।